नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आपने प्रत्येक कुंडली में लग्नेश, लगन का स्वामी, नवमेश, भाग्य भाव का, नाइन्थ भाव का स्वामी, पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी सुना होगा, जो कि अपनी महादशा अंतरदशा में शुभ फल देते हैं। इसके अतिरिक्त आपने मार्केश के बारे में भी सुना होगा, जो अपनी महादशा और अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। इसके अतिरिक्त त्रिक भावों के बारे में सुना होगा। त्रिक भाव यानी कि छठा, आठवां और बारहवां भाव, जो उनके स्वामी अपनी महादशा या अंतरदशा में अशुभ फल देते हैं। त्रिष्टाय भाव यानी कि तीसरा, छठा और ग्यारहवां भाव, जो अपनी महादशा अंतरदशा में जातक का स्वास्थ्य खराब करते हैं और शारीरिक कष्ट देते हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली में एक बाधा ग्रह भी होता है, जो अपनी महादशा अंतरदशा में जातक के प्रत्येक कार्य में बाधा डालता है, रुकावटें पैदा करता है और हर काम को देरी से करता है, हर एक काम में डिले करता है। अब आपको बताते हैं कि बाधक ग्रह कौन सा होता है, क्योंकि ये प्रत्येक लग्न के अनुसार अलग अलग होता है। 12 लग्न होते हैं टोटल, मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, और ये लगन चर आदि तीन प्रकृति के होते हैं, चर लगन, स्थिर लगन और दिस्वभाव लगन। चर लगन वो होते हैं जो चलायमान गतिशील होते हैं। चर लगनों में मेष, कर्क, तुला और मकर लगन होते हैं। स्थिर लगन जो कि फिक्स लगन होते हैं, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ लगन, ये चारों स्थिर लगन होते हैं। इसके बाद द्विस्वभाव लगन होते हैं, इनकी ड्यूल नेचर होती है। ये होते हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लगन। चर लगनों में यानी कि मेष, कर्क, तुला और मकर लगन में 11th लॉर्ड यानी कि 11वें भाव का स्वामी जो भी ग्रह होता है वो बाधक ग्रह होता है। अब आपको बताते हैं कि मेष लगन में 11वें भाव का स्वामी होता है शनि, जो मेष लगन के लिए बाधक ग्रह होता है अपनी महादशा अंतरदशा में, हमेशा बाधाएं पहुंचाएगा और रुकावटें पहुंचाएगा। कर्क लगन में 11वें भाव का स्वामी शुक्र होता है, तुला लगन में 11वें भाव का स्वामी सूर्य होता है, मकर लगन में 11वें भाव का स्वामी मंगल होता है। ये बाधक ग्रह होते हैं, इन्हें बाधकेश कहा जाता है। अब बात करते हैं स्थिर लगनों की। स्थिर लगन में नवम भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी, नाइन्थ लॉर्ड जो भी ग्रह होता है वो बाधकेश होता है। जैसे वृष लगन में शनि, सिंह लगन में मंगल, वृश्चिक लगन में चंद्रमा और कुंभ लगन में शुक्र बाधक ग्रह होता है, जिन्हें बाधकेश कहा जाता है। इसी प्रकार द्विस्वभाव लगनों में सातवें भाव का स्वामी जो भी ग्रह होता है वह बाधकेश होता है। जैसे मिथुन लगन में बृहस्पति, कन्या लगन में बृहस्पति, धनु लगन में बुध, मीन लगन में बुध बाधक ग्रह होते हैं, इन्हें बाधकेश कहा जाता है। कभी कभी ज्योतिष के विद्यार्थी पूछते हैं कि चर लग्नों में लाभ भाव का स्वामी, 11th लॉर्ड
लाभेश बाधक है तो लाभ कैसे देगा। एकादश भाव इलेवंथ हाउस त्रिष्टय भाव भी है, उपचय भाव भी है। उपचय मीन्स वृद्धि, चाहे शुभ फल की वृद्धि हो या अशुभ फल की वृद्धि, वो दोनों करता है। इलेवंथ लॉर्ड की महादशा अंतरदशा में एकादशीश जातक का स्वास्थ्य भी खराब करता है और रिकवरी में बाधा पहुंचाता है। लाभेश धन से संबंधित सभी प्रकार के लाभ देता है, लेकिन कुछ बाधाओं के बाद, कुछ रुकावटों के बाद, लेकिन धन लाभ जरूर देगा। इसी प्रकार स्थिर लग्नों में भाग्येश बाधकेश भी होता है। नवमेश भाग्य में वृद्धि करेगा, जीवन में उन्नति करेगा, धन लाभ भी देगा, विदेश यात्राएं, धार्मिक यात्राएं भी कराएगा, पिता से भी सुख दिलाएगा, लेकिन प्रत्येक कार्य में बाधा पहुंचाएगा, रुकावटें डालेगा। लेकिन कुछ देरी से, कुछ रुकावट के बाद भाग्य में वृद्धि जरूर करेगा और भाग्य भाव के शुभ फल देगा। इसी प्रकार द्विस्वभाव लग्नों में सप्तमेश बाधकेश होता है। द्विस्वभाव लग्नों में सातवें भाव का स्वामी मार्केश भी होता है और ये बाधकेश भी होता है, और इसे केंद्र में दो भावों का स्वामी होने के कारण केंद्राधिपति दोष भी लगता है। मार्केश की दशा में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, व्यापार में परेशानी होगी, यात्राओं में कष्ट होगा और सभी प्रकार के कार्यों में बाधाएं और रुकावटें आएंगी, क्योंकि द्विस्वभाव लग्नों में सातवें भाव का स्वामी मारक भी है और बाधक भी है। बाधक ग्रह जो भी होता है लग्न के अनुसार अपनी महादशा अंतरदशा में कार्य पूर्ति में बाधक होता है। बाधक ग्रह जब कुंडली के अशुभ भावों से या उनके स्वामियों से संबंध बनाता है तो वो बहुत ज्यादा अशुभ हो जाता है, और बाधक ग्रह जब जन्म कुंडली के शुभ ग्रहों से युक्त होता है तो उनकी शुभता भी कम कर देता है। कुंडली के बाधकेश ग्रह मार्केश या अष्टमेश के साथ युति करते हैं तो ये सबसे अधिक अशुभ फलदायक हो जाते हैं। बाधक ग्रह जातक के कर्मों में, पर्सनल लाइफ में बाधाएं जरूर डालता है। स्थिर लग्नों में वृष लग्न में शनि योग कारक ग्रह है, सिंह लग्न में मंगल योग कारक ग्रह है, कुंभ लग्न में शुक्र योग कारक ग्रह है, और ये योग कारक ग्रह बाधक बनने के बाद अपनी महादशा अंतरदशा में शुभ फल तो देंगे लेकिन अपने शुभ फलों को देने में बहुत देरी करते हैं और कुछ रुकावटों के बाद फल देते हैं। कुंडली का बाधक ग्रह जिस भाव में स्थित होगा उस भाव से संबंधित बाधाएं पहुंचाएगा, लेकिन शुभ ग्रहों के स्वामी कुछ समय के बाद शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। बाधकेश अगर लगन में बैठा हो तो ये अधिक अशुभ फल देता है। जातक को रोग यानी हेल्थ प्रॉब्लम, अपयश, दुख शरीर को कष्ट देता है, परिवार से दूर कर देता है, और स्थिर लग्नों में बाधकेश लग्न में केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाता है तो ये तो राजयोग भी होता है, लेकिन बाधकेश यदि नीच हो तो ये बहुत ज्यादा अधिक अशुभ फल देता है। अपनी महादशा अंतरदशा में मृत्यु भी दे सकता है। यदि बाधकेश पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो अशुभ प्रभाव और अधिक बढ़ जाते हैं। शुभ ग्रहों के प्रभाव से अशुभ
फलों में अशुभ प्रभाव में कमी आ जाती है। तो आप प्रत्येक लग्न के अनुसार नोट कीजिए कि कौन सा ग्रह जो है बाद के से, चाहे वो लाभेश हो, चाहे भाग्येश हो, चाहे वो सप्तमेश हो, ये अपनी दशा अंतर दशा में हर काम में बाधा जरूर डालता है, रुकावट जरूर डालता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मार्केश ग्रहों के बारे में बताऊंगा। नमस्कार।